गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम आरुषि है। आज का जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग टैगलाइंस है, जिसे हम पंच लाइन और स्लोगन के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक के पीओ एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं इतने सारे टैगलाइंस याद करने से कोई फायदा नहीं है, पता नहीं कौन सी टैगलाइन पूछ ली जाएगी। बट हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, हर एक मार्क्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लर्न करते हैं किस तरीके से हम बैंकिंग टैगलाइन को ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। जिसकी हमारी पहली टैगलाइंस है आर ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रेडिशन मतलब पुराना, रूढ़िवादी। अब इस टैगलाइन को कोई भी वर्ड्स आप पिक करके उसको बैंक के नेम से रिलेट करिए और उसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड लिया है? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मतलब पुराना, रूढ़िवादी। और हमारा इलाहाबाद बैंक भी कैसा बैंक है? पुराना बैंक है। तो ट्रेडिशन जब भी बात आएगा तो आपको कौन सा बैंक याद आना चाहिए? पुराना बैंक। पुराना बैंक कौन सा? हमारा इलाहाबाद बैंक। फिर नेक्स्ट हमारा वन फैमिली वन बैंक। इसमें सिंपल से आप एक लाइन लर्न कर लीजिए, वन फैमिली एक बैंक। एक बैंक की बात की गई है और एक फैमिली की बात की गई है। तो वन फैमिली कहाँ रहती है? एक फैमिली महाराष्ट्र में रहती है। नेक्स्ट है टुगेदर वी कैन। Together we can. Can means Canara Bank. Already name दे रखा है। Trusted family bank. Trust करना, आप किसी पर विश्वास करते हैं तभी आप उसको कुछ रखने के लिए देते हैं। तो आपने ट्रस्ट किया तो उसको क्या किया? कुछ दिया। दिया मतलब देना। तो trusted family bank, देना bank. Next है good people to grow with. अच्छे लोग उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बाहर तक पहचान बनाना चाहते हैं, विदेश में भी पहचान बनाना चाहते हैं। और जब हम बाहर की बात करते हैं तो क्या आ जाता है? ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए दोनों टैगलाइन सेम है, बस दो वर्ड्स का डिफरेंस है। यहाँ पे ग्रो दे रखा है, यहाँ पे बैंक दे रखा है। तो जब भी ग्रो आएगा तो आपको बाहर की बात करनी है। गुड पीपल टू ग्रो, आप इतना ग्रो करना चाहते हैं कि अपनी पहचान बाहर तक बनाना चाहते हैं, विदेश तक बनाना चाहते हैं। तो गुड पीपल टू ग्रो विद इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है गुड पीपल टू बैंक पे। अच्छे लोग बैंक पे काम कर रहे हैं और वो सारे अच्छे लोग हमेशा यूनियन के साथ वर्क करती हैं, ठीक है। मिलजुल कर काम करना बैंक में क्या कहलाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल। नेक्स्ट है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। अ फ्रेंड, जब भी दोस्त की बात की जाएगी, फ्रेंड की बात की जाएगी तो हमारा जब फ्रेंड का नाम आएगा तो विजय। क्योंकि इतने सारे बैंक्स के जो भी आप नाम याद कर रहे हैं या फिर जो भी आपके माइंड में बैंक के नेम है, ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो। कैनरा किसी फ्रेंड का नाम नहीं होता है, अलावा किसी फ्रेंड का नाम नहीं होगा। बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक या फिर इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बीओबी बैंक, तो ये सारे बैंक के नाम आपके फ्रेंड्स के नेम से नहीं मिलते हैं। बट विजय बैंक, विजय ऐसा नाम है जो आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस रिलेटेड पंच लाइन से अ फ्रेंड, तो फ्रेंड कौन सा होगा? विजय, विजय बैंक। इस तरीके से आपको सिंपली टैगलाइन से कोई भी वर्ड्स पिक करना है जो कि रिलेटेड हो बैंक के नेम से, और उसको मैच करके कोई भी वर्ड्स बना लेना है और उससे आपको पूरी टैगलाइंस को लर्न करना है। कि भाई नेक्स्ट टैगलाइंस जो है वो है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। ये टैगलाइन किस बैंक की है? यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑलरेडी बैंक का नाम इसमें आ रहा है, सेंट्रल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द बैंक दैट बिकम्स विद यू, टफ लाइन ये है, टैग लाइन द बैंक दैट बिकम्स विद यू। अब आप इसको लर्न करने के लिए क्या करना है, इसमें से कोई भी वर्ड्स पिक कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है बैंक की बात की जा रही है, कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करने की बात की जा रही है। और ऐसी बात है जब आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, हर सबका सपोर्ट होता है तब आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। मतलब कि हमने कहावत भी सुनी है, अकेले आप किसी भी काम को शुरू करने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपके साथ में सभी लोग हैं तो आप उस काम को इजी वे में अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? द बैंक दैट बिगन्स विद यू, आप किसी बात, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और वो शुरुआत किस तरह से हो रही है? यूनाइटेड, जब आप सब एक हैं, एक साथ मिलकर आप किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। तो जब भी बिगनिंग की बात की जाएगी, बिगिंस की बात की जाएगी, शुरुआत की बात की जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑनर योर ट्रस्ट, यहाँ पर सम्मान की बात की गई है। सम्मान के लिए अब हमें कुछ सिलेक्ट करना है, किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बैंक का नाम अगर आपने देखा हो, यूको बैंक, अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा है कि आप किस तरीके से याद करें। यूको
को आप थोड़ा वर्ड्स में चेंजेस कर दीजिए, यूको को याद कर लीजिए झुको, यूको को माइंड में रखिए झुको, झुकना, किसी के सामने झुकना। अब आप यहाँ पे पिक करते हैं वर्ड्स, वो है ऑनर, किसी के सम्मान में झुकना, वो कौन सा बैंक हो जाएगा, यूको बैंक। झुकना, हमने झुकना किसके लिए रखा था नाम, यूको के लिए, यूको झुको, ठीक है। तो ऑनर में आप किसी के सम्मान में झुक रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बैंक आ जाएगा, यूको बैंक। एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग इंडिया, ऑलरेडी यहाँ पे वुमेन का नाम आ रहा है, और ये कौन सा बैंक है, भारतीय महिला बैंक, इसमें नेम दे रखा है, वुमेन की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, तो ये कौन सा बैंक आ गया, महिला बैंक। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, सर्विस की बात की गई है, सेवा की बात की गई है, और बैंक का नाम क्या है, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आप माइंड में रखिएगा, पंजाब के सिंध बैंक की सर्विस बहुत ही अच्छी है, पंजाब के सिंध बैंक की सर्विस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि टैगलाइंस में जो वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर्विस यहाँ पे भी आ गया, सर्विस यहाँ पे भी आ गया, हम इसको कैसे याद करेंगे। सर्विस इसी टैगलाइन में, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, सर्विस की बात की जा रही है, तो आपको कौन सा बैंक की सर्विस अच्छी लगी है, तो वो है पंजाब एंड सिंध, सिंध बैंक की सर्विस बहुत ही अच्छी है। इंडिया से इंटरनेशनल बैंक, ये ऑलरेडी सबको लर्न रहता है कि इंडिया का इंटरनेशनल बैंक कौन सा है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया से इंटरनेशनल बैंक। वे आर इंडियाज बैंक, मच मोर टू डू विद यू इन फोकस, ये एक बैंक की तीन स्टेप में टैगलाइन दे रखी है, हम कह सकते हैं तीन टैगलाइन है, और हमारा बैंक कौन सा है, आंध्रा बैंक, बैंक का नाम है आंध्रा बैंक। इसको लर्न करने के लिए आप बैंक का नेम चेंज कर दीजिए, जैसे कि हमने यूगो को झुको कर दिया था, और हमने ऑनर सम्मान में झुकना यूगो बैंक लर्न किया था, वैसे ही हम इसको लर्न करेंगे, आंध्रा बैंक का हम नाम चेंज कर देंगे, रख देंगे अंधा बैंक, ओके। आंध्रा बैंक का नेम हमने चेंज कर दिया, कौन सा बैंक का नाम रखा है, अंधा बैंक। अब इनसे हम एक सेंटेंस बना लेना जिसे कि हम उसको अपने माइंड में रख सके, भूले ना, अंधा बैंक है तो यहाँ के कस्टमर भी अंधे ही होंगे, तो वेयर इंडियाज बैंक, कोई अंधा व्यक्ति है अपने बैंक को ढूंढ रहा है कि मेरा बैंक कहाँ गया, अंधा व्यक्ति जो कि कस्टमर है वो ढूंढ रहा है वेयर इंडियाज बैंक, मेरा बैंक कहाँ गया। मच मोर टू डू, अब वो बैंक को ढूंढ रहा है, मेरा बैंक यहीं पे था, पता नहीं कहाँ गया, मुझे मिल ही रहा है। मच मोर टू डू, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारी कामों को चीजों को करना है, वो ये सारी चीजें सोच रहा है कि वेयर इंडियाज बैंक, मेरा बैंक कहाँ गया, आंध्रा बैंक कहाँ गया, अंधों का बैंक कहाँ गया, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और वो सारी चीजें उसके कहाँ पे है, माइंड में फोकस किया हुआ है कि मुझे वहां पहुंच के ये करना है, वो करना है, तो ये कौन सा बैंक है, आंध्रा बैंक। सिंपल से याद करिए, एक अंधा व्यक्ति है, वो ढूंढ रहा है अपना बैंक, वेयर इंडियाज बैंक, मुझे बहुत सारा काम करना है, मच मोर टू डू, वेयर विद यू इन फोकस, और वो सारी चीजें मेरे कहाँ पे है, माइंड में सारी फोकस की हुई है। तो ये तीनों टैगलाइंस किस बैंक की है, आंध्रा बैंक की है। थैंक यू क्लास, इस तरीके से आप टैगलाइंस को लर्न करिए, रिवाइज करिए, आपको डेफिनेटली रिवाइज हो जाएंगी। एक बार चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, जिससे कि आपको लर्न हो जाए, आप उसका आंसर खुद अपने सेल्फ दीजिएगा कि किस तरीके से किस बैंक का आंसर होगा टैगलाइन का, ओके। तो पहली टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, कौन सा सेंट्रल ऑलरेडी दे रखा है। द बैंक दैट बिगन्स विद यू, बिगनिंग की बात की गई है, आरंभ करना, शुरुआत करना, तो जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, हम तभी कर सकते हैं जब हम यूनाइटेड हों, सब मिलजुल कर किसी बात की हमें क्या करना है, शुरुआत करनी है, तो इस बैंक का नाम कौन सा है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑनर योर ट्रस्ट, ऑनर सम्मान में झुकना, कौन सा बैंक, झुकना यूको बैंक, ओके। वी आर इंडियाज बैंक, मच मोर टू डू विद यू इन फोकस, सारी चीजें किस बैंक के लिए है, आंध्रा बैंक, ओके। नेक्स्ट, वे आर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, सर्विस कहाँ की सर्विस अच्छी है, सिंध बैंक की सर्विस बहुत ही अच्छी है, सिंध सर्विस, ओके। वुमेन ऑलरेडी दे रखा है, इंडिया से इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक सबसे पहले अपनी बैंक वहां खोलने वाला बैंक हमारा कौन सा था, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबसे ज्यादा बैंक खोलने वाला, सबसे पहले बैंक खोलने वाला इंडिया से इंटरनेशनल बैंक, पहले अब तो एसबीआई, ओके। इस तरीके से आप रिवाइज करिएगा सारी टैगलाइंस को और अपने माइंड में रखिएगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बताई है टैगलाइन वो, नेक्स्ट ये है,
और आगे भी मैं टैगलाइंस की वीडियो आपको देती रहूँगी, जिससे आप सारे टैगलाइंस को लर्न कर सकते हैं, माइंड में रह सकते हैं, क्योंकि हर एक मार्क्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इसमें हम लिमिटेड मार्क्स ही गेन कर सकते हैं, बट हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं, GA है, कंप्यूटर है, इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और हमें उन टॉपिक पे फोकस करना है जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं, वो कैपिटल करेंसी टैगलाइंस को छोड़ के आ जाते हैं, अदर्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन पर वो फोकस करते हैं, इन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा समझते हैं, इतना सारा लर्न करने से अच्छा है हम और कुछ लर्न कर ले। बट अगर आपको हर एक मार्क्स अचीव करना है तो आपको सारे टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा। ओके क्लास।